बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में गांजा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज नगरनार पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग अवैध गांजा लेकर उड़ीसा से जगदलपुर के रास्ते महाराष्ट्र जाने के फिराक में है। सूचना मिलते ही एक टीम गठित कर धनपूंजी फॉरेस्ट नाका पर टीम लगाई गई। जैसे ही बताई गई गाड़ी धनपूंजी नाका पहुंची, उस गाड़ी की चेकिंग करने पर 800 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों ही आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। चल रही है जिसपे मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के चलते कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसपे थाना नगरनार की तरफ से एक ट्रक को पकड़ा गया है जिसपे लगभग 804 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया है। इस गांजा तस्करी में दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, सुहास कुमार क्षीरसागर जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से है, दूसरा सोमनाथ विजय चौरे जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से ही है। इन दोनों व्यक्तियों को एक टाटा ट्रक के साथ में गिरफ्तार किया गया जिसमें 804 किलो मादक पदार्थ थे जिनकी कीमत लगभग 80,48,000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा ट्रक को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ दीप जलाने का जो तेल होता है उनके 105 कार्टूनों में इन्होंने घेर के रखा हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है और टोटल जब्त मशरूका का कीमत है 96 लाख रुपए के आसपास है। इसी तरह हम इस केस को भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि इससे जुड़े सभी कड़ियों को हम खोल पाए।